Hello everyone, welcome to Birla International School. So let's start students, grade 1, subject English and worksheet 35. So very first question is, identify the verbs, action words. आपको क्या करना है? Verb को identify करना है ना, verb को पहचानना है. ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे वर्ड्स बताना है कि इन इस पूरे सेंटेंस में से वर्ब कौन सी है. क्लियर बेटा? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. फाइन, एंड आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड्स. आपको इन एक्शन वर्ड्स को पहचानना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना. Verbs, write them in space given below. और आप नीचे जो स्पेस दिया है ना, उस स्पेस में इनको लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ब, कि वर्ब होता क्या है ना. पहले वर्ब का मीनिंग अंडरस्टैंड करता है. तो वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब जो कि कुछ किया जा रहा है, लाइक बींग है ना, जिसमें वर्ब वे वर्ड है जिसमें कुछ करने का या किसी बात के, किसी चीज़ के होने का पता चलता है. लाइक हम कहें किसी करने या किसी होने का पता चलता है. ठीक है, बींग, बींग मीन्स क्या होता है? जो किया जा रहा है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट, शोभित इज प्लेइंग द फुटबॉल. ये बच्चा है ना, शोभित है, ये क्या कर रहा है? प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है. तो प्लेइंग जो है क्रिया है, वर्ब है, यानी वो ये काम कर रहा है, प्लेइंग. तो हम लोग प्लेइंग लिखेंगे सेंटेंस में. सेकेंड, आई एम डूइंग माई होमवर्क. ये बच्चा क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ. तो डूइंग क्या हुई? वर्ब हुई. क्या हुई? वर्ब हुई, करना. थर्ड, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वह गाना गा रही है. तो सिंगिंग क्या हुआ उसकी? वर्ब हुई. फोर्थ, मिस्टर शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश. मिस्टर शर्मा जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. तो टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग जो हुआ वो उनकी वर्ब हुई, पढ़ाना उनकी वर्ब हुई. फिफ्थ, डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट. डॉग्स जो है वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रीट यानी सड़क पे बार्किंग यानी कि भौंक रहे हैं. तो बार्किंग क्या हुई उनकी? बार्किंग उनकी वर्ब हुई. सिक्स्थ, संजय इज स्लीपिंग नाउ. संजय जो है वो अभी क्या कर रहा है? स्लीप हो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है ना. तो सोना जो है उसकी वर्ब हुई, स्लीपिंग जो है उसकी वर्ब है. ओके बेटा, तो हमने बख्शी 35 में क्या पढ़ा? हमने वर्ब देखी, वर्ब. अब वापस बता रही हूँ बेटा, एक बार और ध्यान से देखिए. वर्ब क्या होता है? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ भी बींग का सम बींग होता है. बींग मीन्स जो भी किया जा रहा है, जो भी काम कराया जा रहा है. ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें किसी होने या किसी करने का पता चलता है, किसी काम के. फाइन, सो आई होप बेटा वर्कशीट 35 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.